अस्सलाम वालेकुम। आज हम एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करने लगे हैं। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो इक्वेशन होगी सेकंड ऑर्डर की, वो इस तरह की होगी। और जो इसका इस इक्वेशन में अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस हमने एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म में हम इसलिए कन्वर्ट करें ताकि हम इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें, हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन निकल सके। तो इसके लिए हम इसके वर्किंग रूल्स को देखते हैं कि सबसे पहले जिस तरह से हमने पिछले दो में किया है कि हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बनानी है इसकी, जो कि इस फॉर्म की होगी। अब यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट हमें पहले चेक करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के थ्रू ये हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये आ गई, यहाँ से अब वैल्यूज़ हम निकालेंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो यहाँ पे अगर वैल्यूज़ एलिप्टिक है तो वैल्यूज़ इस तरह से आएंगी कि हमारे पास ये आयोटा के फॉर्म को इन्वॉल्व करेंगी। तो ये हमारे पास इसकी दो जो है वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बन जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। नंबर टू, हमें इन दोनों जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनी हैं, इनका हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। पहले हम इसका ले लेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाली जो इक्वेशन होगी उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास कुछ फंक्शन इस तरह से आएंगे। अब ये सी वन है, ठीक है, सी वन की लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है हम इसको कंसिडर कर लेंगे एग्जाई। एक्साई भी कर सकते हैं, ईटा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले एक्साई लेना चाह रहे हैं या ईटा। तो एक्साई फंक्शन हमने इसको कह दिया कि एक्साई हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन लिखने के बजाय हम एक्साई लिख देंगे। सेकंड वाला लिया, सेकंड वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास ये इस फॉर्म की इक्वेशन आएगी। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये ईटा के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ईटा इज़ इक्वल टू सी टू एंड एक्साई इज़ इक्वल टू सी वन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमने लेट करना है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वन ओवर टू एक्साई प्लस ईटा के इक्वल है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसके इक्वल है तो एक्साई का जो हमारे पास सॉल्यूशन था और ईटा को जो था वो हम दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे। जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एफ़ वन ऑफ एक्स, ठीक है। अब बीटा, बीटा को यही है एक्साई और यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वन ओवर टू आयोटा एक्साई माइनस ईटा। ये इसके वर्किंग रूल्स में है कि हमने ये वाला फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ गया एफ़ टू ऑफ एक्स वाई। यहाँ से हमने अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल ली। जब हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आएंगी, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो x और y की वैल्यूज़ है वो अल्फ़ा और बीटा में चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अल्फ़ा और बीटा के साथ रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने से यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस आ गई, यू एक्स इज़ इक्वल टू जिस तरह से हम वहाँ पे लिखते थे एक्साई, यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यू एक्स इज़ इक्वल टू यू अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स प्लस यू बीटा बीटा एक्स। वहाँ पे हम एक्साई और ईटा लिखते थे, यू एक्साई एंड एक्साई एक्स इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हम उन एक्साई और ईटा को अल्फ़ा और बीटा के साथ रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास अगर फर्स्ट इक्वेशंस दी गई हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बनेगी। सेम वही इक्वेशंस है जो हमारे पास पैराबोलिक में और हाइपरबोलिक में थे, सिर्फ वहाँ पे अल्फ़ा को एक्साई के साथ रिप्लेस कर दें और ईटा को जो है वो बीटा के साथ रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास यू एक्स एक्स और यू वाई वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हमारे पास ये सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे तो हम उसके बाद उसको इस जो है वो फर्स्ट इक्वेशन, जो भी हमारे पास इक्वेशन दी गई होगी उसमें पुट कर देंगे। उसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा कुछ इस फॉर्म का होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से x और y की सारी टर्म्स रिमूव हो गई, अल्फ़ा बीटा और u की फॉर्म में आ गई। तो ये हमारे पास अब सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई है। इससे क्या होगा, यहाँ से अगर हमें कहते हैं कि सॉल्यूशंस निकालें तो हम
इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से हमारे पास सिंपल रिजल्ट्स निकल आएंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यू एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फर्स्ट हमें क्या करना है, इसको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर किया तो हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज़ निकल आएंगी, बाकी सारे रिजल्ट्स ज़ीरो हैं। बी भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो, ठीक है। ए और सी की वैल्यूज़ गिवन है, ए इज़ इक्वल टू वन एंड सी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो चीज़ नहीं है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगी। सेकंड क्या था हमारे पास कि हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन के अंदर रख के देखना है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने यहाँ पे रिजल्ट रखा तो ये आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब x के अंदर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, तो वो क्या होगी, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस का साइन, वो माइनस फोर या माइनस एट माइनस ट्वेल्व इस तरह से नंबर्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो है। किस केस में है? लेस देन ज़ीरो है अगर हम x को नॉन ज़ीरो कंसिडर करते हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अगर हम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो उस केस में हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये पैराबोलिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। स्टेप वन हमारे पास क्या था कि हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी है, ये हमने ले ली। अब यहाँ से हमने इसके करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनानी है। यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यूज़ गिवन है, ए बी और सी की, हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने से हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए, लैम्डा वन इज़ इक्वल टू एक्स वन एंड लैम्डा टू इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स आयोटा एंड माइनस एक्स आयोटा। अब करैक्टरिस्टिक दो ही क्वेश्चंस हमारे पास बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। सेकंड में क्या था कि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने से हमारे पास यहाँ पे y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर ओवर टू इज़ इक्वल टू सी वन। इसका मतलब है कि y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर ओवर टू को हम किसके इक्वल लेट कर लेंगे, टू है तो टू को पहले हम नीचे से रिमूव कर देते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ले आते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया टू के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। लेट कर लिया कि ये हमारे पास जो एफ, ये क्या है, एफ़ वन ऑफ एक्स और दूसरा ये हमारे पास है एफ़ टू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली हैं, इसको मैंने लेट कर दिया कि ये एक्साई के इक्वल है। एक्साई के इक्वल लेट किया तो एक्साई के इक्वल लेट करने से हमारे पास ये वैल्यू इसकी जो थी, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्साई, एक्साई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन हमने ली, ये वाली इक्वेशन ली और इसके थ्रू हमने, सॉरी ये वाली, इसको लिया और यहाँ से भी हमने इसके करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये आ गया, यहाँ से दोबारा से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, ये वाला ये रिज़ल्ट निकला, उसको हमने लेट कर लिया कि ये ईटा के इक्वल है। अब ईटा भी क्या है, एक्स और वाई की फॉर्म में है और एक्साई भी जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में, मींस के एक्स और वाई को हमने रिमूव करना है अंदर से। तो हमने लेट कर लिया कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्साई प्लस ईटा ओवर टू है, तो एक्साई और ईटा की वैल्यूज़ पुट की तो अल्फ़ा आ गया कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टू वाई। इसी तरह से बीटा हमारे पास इक्वल था एक्साई माइनस ईटा ओवर टू आयोटा, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू निकले। अब जहाँ जहाँ पे 2y और माइनस एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पे हम उसको अल्फ़ा और बीटा के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमने जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे और इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y सारे हम यहाँ पे इसके जो है वो डेरिवेटिव्स ले लेंगे, इसलिए ताकि हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर सकें। इससे क्या होगा, हमारे पास मुकम्मल तौर पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकलेंगी और वहाँ से x और y रिमूव हो जाएगा। अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर दिया x और y को अल्फ़ा और बीटा के साथ। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पर यू एक्स एक्स की वैल्यू और यू वाई वाई की वैल्यू को हमने पुट करना है। यू एक्स एक्स का जो रिज़ल्ट था हमारे पास, ठीक है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो
प्रीवियसली दोनों में किया है वही यहाँ पे है। इसी तरह से अब अल्फ़ा एक्स की वैल्यू है हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। इसी तरह से अल्फ़ा एक्स और बीटा एक्स की वैल्यू है, बीटा एक्स की वैल्यू है, वो सारी वैल्यूज़ पुट की। पुट करने से हमारे पास जो सोल्यूशन निकला है वो आया है 4x² यू बीटा बीटा माइनस 2u बीटा। ठीक है, तो ये यू एक्स एक्स की जगह पे अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या अभी भी x² इन्वॉल्व है, लेकिन इसको हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू माइनस x². अगर हम मैं माइनस को लेफ्ट साइड पे लिख देती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू माइनस बीटा। अगर मैं यहाँ पे अब इसको मुकम्मल तौर पे अल्फ़ा और बीटा में चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसको x² को माइनस बीटा के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ। मैंने इस इक्वेशन को 5 का नाम दिया है। ये एंड पे जाके हम प्रोसेस करेंगे कि जहाँ पे x² होगा उसको हम चेंज कर देंगे। यू वाई वाई का रिज़ल्ट लिया, यू वाई वाई की वैल्यू में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकला है 4u अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, तो अब क्या है, जहाँ ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, ये क्यों हमने सिर्फ यू वाई वाई और यू एक्स एक्स निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें यही दो चीज़ों का पूछा गया था। अगर यहाँ पे एक्स वाई या यू एक्स होता तो हम वो वैल्यूज़ भी यहाँ पे मेंशन करते। तो जो चीज़ रिक्वायर है हमने वो चीज़ें यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पे आ गया 4x² यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस यू बीटा बीटा इज़ इक्वल टू माइनस टू सॉरी इज़ इक्वल टू 2u बीटा। तो x² का जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा माइनस बीटा के, तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस बीटा के साथ रिप्लेस किया। रिप्लेस करने से हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया यू अल्फ़ा अल्फ़ा, और इसको अरेंज किया तो ये आ गया यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस यू बीटा बीटा इज़ इक्वल टू माइनस यू बीटा ओवर 2 बीटा।